साइन थीटा प्लस का वाई डिवाइड बाय कॉस थीटा और कॉस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस का टेंजेंट वाई। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो यहाँ पे साइन आपको भी फार्मूला पता होगा का साइन थीटा वाला, साइन अल्फा प्लस का बीटा वाला। तो मैंने वही फार्मूला सप्लाई किया है, साइन अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये फार्मूला मैं इससे अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन अल्फा क्या है, थीटा है, और बीटा क्या है, फाई है। तो मैंने साइन अल्फा क्या था, थीटा, साइन थीटा और कॉस कॉस थीटा और साइन फाई, सो इज डिवाइड बाय कॉस थीटा और यहाँ पे कर दिया कॉस फाई। मैंने इसको फॉर्मूले के ज़रिए ओपन कर दिया। तो आप नोट कर सकते हैं, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ? बिल्कुल इस तरह से ले सकता हूँ। डिनोमिनेटर दोनों के अगर सेम हो तो मैं डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिख के ऊपर की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपल इसको इस तरह से लिख दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर दोनों के एंगल सेम थे, मैंने इन दोनों को आपस में कट कर दिया। इन दोनों के एंगल सेम थे, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कट कर दिया। बचा क्या यहाँ पे, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा, साइन, यहाँ बचा कॉस, ऐसा ही बचा। साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेंजेंट थीटा प्लस, और ये किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा, ये बराबर होगा, लेकिन इसका एंगल डिफरेंट है, फाई है, तो प्रूव्ड हो गया।